नमस्कार, कोयना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है आलू बैंगन की सब्जी। जी हाँ, आज हम आलू बैंगन की सब्जी बनाएंगे, लेकिन एक बहुत ही अच्छे फ्लेवर के साथ। डेफिनेटली ये सब्जी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले इसके लिए चाहिए हमें आलू, और यहाँ लिए मैंने बैंगन। आलू ले 4 मीडियम साइज़ के लिए हैं, और उसके साथ ही मैंने लिए हैं 2 बैंगन। मसाला हमें जो चाहिए उसके लिए चाहिए प्याज, 1 प्याज लिया मीडियम साइज़ का, और 6-7 कली लहसुन की। इसके साथ ही चाहिए टमाटर, मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मसाले को रेडी कर लेते हैं। मैं इसे खलबत्ते का यूज़ कर रही हूँ, उसमें मैं इसको ग्राइंड करूँगी। मैं मिक्सर जार का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज की सब्जी मैं एक बहुत ही देसी तरीके से बना रही हूँ। आप चाहो तो इसको सिल बट्टा हो आपके पास तो उस पर पीस सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। दोस्तों, मिर्ची हम बाद में डालेंगे, क्योंकि इसे हम पहले इतना ही पीस कर तैयार कर लेंगे। तो इसे अच्छे से हम कूटेंगे इसमें खलबत्ते में। जो इस तरह से मसाला हम रेडी करते हैं सब्जी बनाने के लिए, इसका एक अलग ही टेस्ट, एक अलग ही फ्लेवर आता है, जो कि ग्राइंडर में जब हम मसाला पीसते हैं तो उसमें इतना नहीं आता। दोस्तों, बैंगन आप देख रहे होंगे मैंने चौकोर टुकड़े में काटे हैं, और आलू भी सेम वैसे ही कट कर लिए हैं। इनको बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिए। टमाटर को भी आप बारीक काट लीजिए। अब अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। पैन ले रही हूँ, पैन में लेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म करेंगे जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो जाए। लीजिए, कलर चेंज हो गया है। तो सबसे पहले डालेंगे हम इसमें मेथी दाना। जी हाँ, मेथी दाना। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच मेथी दाना लिया है, और इसको बिल्कुल अच्छे से पहले इसमें भून लेंगे, तब इसमें मसाला जो हम अभी बना कर रेडी किया है वो ऐड करेंगे। इसे काफ़ी अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। आप देख पा रहे होंगे उसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं ऐड करूँगी वो मसाला जो हमने अभी खलबत्ते में कूट कर बहुत अच्छे से रेडी किया है। तो इसे हम इसमें अच्छे से भूनेंगे। फ्रेंड्स, जो सब्जी आप इस तरह से बनाते हो सिलबट्टे का यूज़ करके या खलबत्ते में मसाला पीसकर, तो उसका नेचुरली ही टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और अलग आता है। जितना कि हम ग्राइंडर में जब मसाले को पीसते हैं आएगा, उससे अच्छा इससे आता है। मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे हम जब तक कि वो ऑयल ना छोड़ने लग जाए। ये हमारा मसाला जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का ऑयल छोड़ रहा है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। इसके साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, तब ताकि ये सारे मसाले अच्छे से उसमें पक जाएं। बहुत ही बढ़िया सब्जी बनकर रेडी होती है, और इस सब्जी की स्पेशलिटी ये है जो हम इसमें मेथी दाना यूज़ करते हैं, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है बैंगन की सब्जी में। ऐड करेंगे टमाटर, इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे हम टमाटर को भी। इसके साथ ही हम थोड़ा सा डालेंगे पानी, ताकि टमाटर जो हमारा है अच्छे से गल जाए। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ ताकि अच्छे से पक जाए। चेक कर लेते हैं बीच में, अभी थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर, लेकिन अभी मैं इसको बिल्कुल मैश होने तक बहुत अच्छे से इसको पका लूँगी। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गए हैं बिल्कुल। टमाटर पक गया है बिल्कुल, मसाला भी हमारा भुन गया है बहुत अच्छे से। तो अब इसमें ऐड कर लेते हैं सब्जी जो हमने अभी कट करके रखी हुई थी। सारी सब्जी को इसी तरह से डाल लेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
फ्रेंड्स, इस तरह की सब्जी मेरे इन-लॉज के यहाँ बनती है। मेरे इन-लॉज हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में, और वहाँ जो ये सब्जी बनती है मेथी दाना डालकर और फिर इस तरह से मसाले को तैयार करना सिलबट्टे के ऊपर पीस कर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मुझे हुआ ये रेसिपी आपके साथ भी ज़रूर शेयर करनी चाहिए, तो इसीलिए आज ये रेसिपी मैंने आपके लिए लाई है। आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आएगी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें जो मसाले हम ऐड करते हैं बहुत ही बेसिक सा इंग्रेडिएंट है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन बैंगन के साथ बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, सब्जी में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाए, और ये सब्जी बिल्कुल ड्राई नहीं होती है, हल्की हल्की इसमें ग्रेवी रहेगी। तब अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। तो आप बीच बीच में इसे चेक करते जाइए जब तक कि आपका आलू इसमें अच्छे से गल ना जाए। तो मैं अभी चेक कर लेती हूँ, इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से ताकि ये बहुत अच्छे से पक कर तैयार हो जाए। दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें बहुत इजी होती हैं बनाने, बस स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाओ, आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो लीजिए, मेरे इसमें आलू थोड़े थोड़े गल गए हैं, तो मैं इसको अभी थोड़ा सा और पकने देती हूँ ताकि और अच्छे से सब्जी जो है गल जाए, हमारी अच्छे से रेडी हो जाए। एक दो मिनट पका के मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। लीजिए, अभी लगभग हमारा आलू अच्छे से उसमें गल गया है, पक गया है, तो समझिए आपकी सब्जी रेडी है। आप देख पा रहे होंगे इसमें हल्की हल्की ग्रेवी है, काफ़ी अच्छे से पक गई है सब्जी, और देखिए कलर वगैरह कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, यहाँ मैं आधा चम्मच यूज़ कर रही हूँ। आप अपने सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से मसाले को ऐड करें। तो लीजिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही अलग फ्लेवर के साथ हमारी सब्जी रेडी है, और देखिए कितने अच्छे से पकी है, कितना अच्छा इसका कलर है। तो मुझे लगता है ये आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारी सब्जी। तो आप इसे किसी भी चपाती परांठे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है अभी। तो अब मैं आपको इसको निकाल के बता देती हूँ। बाउल में बहुत अच्छे से गल गई है, बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, और कितनी अच्छी इसमें ग्रेवी बनी है, तो ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। अभी इसे निकाल लेते हैं। ये लीजिए, हमारे लंच या डिनर की तैयारी हो गई है। गार्निश करिए हरे धनिए के साथ। तो देखिए कितना अच्छा सब्जी ये तैयार हुई है पक कर। तो फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को, और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करिए, और मेरे इस चैनल को खूब सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने के लिए फ्रेंड्स, उसके बाद आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।